आज मैं आपको ये बेहतरीन रेसिपी बना के दिखाने वाला हूँ, लहसुन का अचार। सीखने के लिए क्या करना है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। बहुत ही मजेदार रेसिपी है, एकदम यम्मी। तो आपने करना क्या है, लहसुन का अचार बनाने के लिए आपने लेने 2 कप लहसुन के, और इसको नीचे से ये देखिए, ये जो चीज है ना, यहाँ से ऐसे काट लेना है, देखिए ऐसे। तो ऐसे काटने की जरूरत क्यों पड़ी आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर काटते हैं। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा छिला छिलाया लहसुन आता है, तो उसमें ये चीज होती है। तो आप इसको इस तरीके से काट के साफ कर लें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ इस तरीके से, देखिए ऐसे। तो आप समझे ना, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, लहसुन को इस तरीके से साफ करना है, ये देखिए ऐसे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो सभी लहसुन आप इसी तरीके से साफ कर लें। लहसुन ऐसे साफ करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपके लहसुन में स्मेल है दूसरी कोई, तो इसको धो के बढ़िया कागज से या कपड़े से पोंछ लें। अगर स्मेल नहीं है तो धोने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, आपने वो बर्तन चढ़ाना है जिसमें आपने अचार बनाना है। मैं बनाने वाला हूँ लगान में, तो मैंने चढ़ा दिए। सबसे पहले आपने इसमें डालना है 1 कप सरसों का तेल। जब अचार का नाम आया है तो बनेगा किससे, सरसों के तेल से। तो ये देखिए, ये जो बॉल है ना, मैंने ये 2 भर के लहसुन लिया है और 1 बॉल डाला है सरसों का तेल भर के। तो सबसे पहले आपने तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देना है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब आपने क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। उसके बाद थोड़ी देर इंतजार करना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून भर के मस्टर्ड सीड, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 6 साबुत लाल मिर्च और ढेर सारा ये कड़ी पत्ता। उसके बाद आपने ऐसे प्यार से चलाना है, देखिए इन सबको अच्छे से चटका लेना है, देखे ना। अब आप समझे ना, तेल ठंडा करना क्यों जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप एकदम गर्म तेल में ये सब डालेंगे ना तो ये सब जल जाएंगे। तो जब तेल सरसों का अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद गैस बंद करके रुकना जरूरी है, फिर से बता रहा हूँ। अब ये सब चीजें चटक गई हैं, अब आपने ये लहसुन डाल देना। देखिए लहसुन डालने के बाद स्लो गैस करके आराम से इनको ऐसे देखिए तेल में पकाना है लहसुन, जैसे कि मैं पका रहा हूँ बढ़िया तरीके से, ये देखिए। अब क्या अचार बनेगा ना, ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप बनाएंगे। तो स्लो गैस करके ऐसे धीरे 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 आपने पकाना है इस तरीके से, देखिए हल्का हल्का सुनहरा कलर लेना है लहसुन में, हल्का सुनहरा बस। जैसे कि आप देख रहे हैं लहसुन में हल्का हल्का कलर आ चुका है, देखें। तो आपने भी ऐसा ही कलर लेना है जैसा कि मैंने लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, गैस एकदम स्लो कर देना है, एकदम मतलब एकदम गैस स्लो करने के बाद आपने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। गैस एकदम स्लो होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसमें डालना है हींग 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काला नमक। अब आपने क्या करना है, एक हाथ में ऐसे 1/2 कप विनेगर पकड़ के रखना है। उसके बाद ऐसे चलाना है, देखिए ऐसे चलाने के बाद तुरंत आपने डाल देना है ये विनेगर। ऐसा मैंने क्यों बोला, नहीं तो क्या होगा, आपके मसाले जल जाएंगे, तो मसाले जलना नहीं चाहिए। अब आपने गैस फास्ट करना है और ऐसे इसको पकाना है, देखिए गैस फास्ट कब करना है, विनेगर डालने के बाद, तभी आपका बेहतरीन लाजवाब अचार बनेगा, देखिए वाह, खुशबू खुशबू खुशबू, क्या खुशबू आई है ना, मजा आ गया एकदम लाजवाब। अब इसको थोड़ी देर स्लो गैस करके पकाना है आपने। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्लो गैस में इसको 3 से 4 मिनट पका लिया और ये बहुत ही बढ़िया हो गया है, देखिए
तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले गैस बंद कर दें। गैस बंद करके ऐसे चलाना है आपने फटाफट, और इसको एक बॉल के अंदर इस तरीके से निकाल लेना है। बॉल में निकालना जरूरी क्यों है बता देता हूं आपको। बॉल में निकालना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसको आपने ठंडा करना है। ठंडा करके बोतल में भर के रखें, आराम से 2 से 3 महीना चलेगा अगर आप फ्रिज में रख देंगे। क्योंकि आप पूछने वाले ना कि शेफ कितने दिन चलेगा, तो 3 महीने कहीं नहीं गए। तो अब आपने क्या करना है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आए, आपके दिल को टच किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपने बॉल में जब निकालना है ना, तो ये सब कुछ पोंछ के निकाल देना है। मसाला इसमें बिल्कुल ना रहे, क्योंकि टेस्ट तो असली ना मसाले में ही है। ये देखिए अब ये क्या चीज बनी है, देखें ना आप, एक नंबर जिसको बोलते हैं ना। ये देखिए मुंह में पानी आ रहा है, तो फटाफट कमेंट भी करें।